हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साबूदाना टिक्की, जो आप नवरात्र में खा सकते हैं और अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने ओवरनाइट साबूदाना अच्छे से धो के और बिल्कुल लेवल पानी लेके इसको सोक किया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैश हो रहा है। ठीक है, ये हमने सेंधा नमक लिया है, ये हमने हरी मिर्च ली है कटी हुई, दो उबले हुए हमने आलू लिए हैं, काली मिर्ची पाउडर है, कटा हुआ धनिया है, देसी घी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू को ग्रेट करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 चम्मच साबुदाना, थोड़ा सा सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, हरी मिर्ची, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून धनिया की पत्ती जो देखने में बहुत अच्छी लगेगी, और कुछ हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसमें हमने हरी मिर्च और लाल मिर्च डाली है, तो काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं डाली है, सॉरी, नहीं यूज कर रहे हैं हम व्रत में, तो हमने काली मिर्च और हरी मिर्च यूज की है। अब हम करते हैं इसको अच्छे से मैश। और ये देखिए, हमने घी को पिघाल लिया है, थोड़ा सा हम हाथ से घी लगाएंगे, इसको ऐसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ऐसे आलू लेंगे, ये ना माइंड हो गया अच्छे से, और जिस भी शेप की आप टिक्की बनाना चाहें उस शेप की आप टिक्की बना लेंगे। एक तो आप साबुदाना बड़ा खाते हैं, वो डीप फ्राई होता है, आप अगर इस तरह से बनाएंगे ना, इस तरह से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। ये देखिए, हमने 2 ही उबले आलू लिए हैं, तो मुश्किल से मीडियम साइज की 4 टिक्की बनेंगी। पैन में भी हमने हल्का सा घी लगा लिया है, और ये देखिए 1 टिक्की को हमने रख दिया है। इसी तरह से हम सारी टिक्की रख देंगे और दोनों तरफ से सिक जाने देंगे। हमने देखिए घी बिल्कुल नाम मात्र को डाला है, आप देख रहे होंगे घी बिल्कुल नहीं है। इस तरह से हम टिक्की के सिकने की इंतजार करते हैं। थोड़ा थोड़ा घी हम इनके ऊपर लगा देंगे क्योंकि नीचे बिल्कुल कम है, और धीमी गैस पे हमें इसको सेकना है, तो अभी हमें पलटने की कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच सके। देखिए कितनी अच्छे से ये सिकनी शुरू हो गई है, तो इसी तरह से हम सारी सेक कर आपसे मिलते हैं। अब देखिए हमें 5 से 10 मिनट ना 5-7 मिनट हमें धीमी आंच पे करते हुए हो गया, और आप घी देख रहे हैं पैन में बिल्कुल ना के बराबर है, यानी रोस्टेड टाइप है ये। हल्का सा आपको सूखा लगता है ब्रश से घी लगा दीजिए। तो आइए इसकी करते हैं। तो ये देखिए हमारी ये यमी सी साबुदाना और आलू की टिक्की तैयार है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। व्रत में खाइए और बिल्कुल तला हुआ खाने से बचिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।